अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हमारे चक में आई है बारिश, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आई है और हर जगह पानी जमा हो गया। तो आज आए हैं हम अपने डेरे पर, वहाँ भी पानी बहुत जमा हो गया क्योंकि यहाँ पर इतनी रिहाइश नहीं है और ये तकरीबन ये बंद ही है, मतलब बहुत दिनों से बंद पड़ा है। तो हम देखने आए कि पानी जमा हुआ है या नहीं। तो हमने आके देखा तो बहुत ही पानी जमा हुआ था। तो हम मिट्टी डाल रहे हैं पानी को खुश करने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा, आपको भी ये वीडियो दिखाएंगे सारी। तो आपको भी वीडियो में ये सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है रेडी। तो ये अब हम मिट्टी इसके अंदर डालेंगे, तो डाल के हम अंदर ले जाएंगे। तो तकरीबन रेडी भर लिया हमने, तो अब हम इसे अंदर ले कर चलते हैं। और यार तो बहुत ही ज्यादा वजन था रेडी के ऊपर, तो अंदर जा नहीं सके, तो दोबारा इसे भर। तो ये भाई मेरे साथ मौजूद है, ये रेडी को भर रहा है मिट्टी से। तो फिर अब हम इसे अंदर लेके जाएंगे, ये जब भर जाएगी तो दोस्तों इस मेरा पहले बड़ा नुकसान की रेडी उठा दी इस वीडियो में दिख रहा है यार, फिर कभी पहले ऐसा काम किया नहीं है ना, तो इसलिए। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको, कितनी दफा ये काम किया पहले? मैं कॉलेज छुट्टी हुई है, रेडी कंप्लीट हुई है, पहली बार की था। पहली दफा आप भी ये काम कर रहे हैं, तो हो रहा है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेना चाहिए। तो कितना मुश्किल है ये काम? ये अब पसीना निकल खा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है काम है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल काम है ये रेडी को धकेलना। कितना वजन होता है इस रेडी का जब फुल हो जाती है? ये तकरीबन 100 किलो। 100 किलो, 100 किलो को धकेलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये पठानों वाली रेडी है, इसका बैलेंस बरकरार रखना पड़ता है। हाँ बैलेंस बरकरार रखना, इसको धकेलना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर लेके चलते हैं आप दोबारा, अब मैं दोबारा लेके जाता हूँ इसे। आगे ले चलो, आगे आगे आगे, शाबाश। ओ आगे वाली दीवार के पास, आगे 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 आगे, इस तरह नुकसान हो जाएगा यार। यार कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा वजन था। तो बेटा स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद यही काम ही करना है। चलो चलो शाबाश, ये तो उतार लो यार। चलो उतारो, हाथ से उतारो हाथ। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मिट्टी डाल रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पे पानी जमा हो गया था, तो हम पानी को खुश करने के लिए मिट्टी डाल रहे हैं ताकि दीवारों को नुकसान ना पहुंचे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम मिट्टी डाल रहे हैं। तो बहुत ही तेज बारिश आई है, तकरीबन 3 दिन से बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हम मिट्टी को बराबर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी था वहाँ पे मिट्टी डाल रहे हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए। भाई दीवारों के साथ साथ मिट्टी डालो ना, थोड़ी सी आगे करके दीवार के साथ, इधर से उठा के आगे फेंको। और तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मरी घूमने आए हो। मरी घूमने आए हो। चलो अभी तो काम रहता है, पता चल जाएगा। आगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद तसव्वुर हुसैन को दीजिएगा इजाज़त। दुआ में याद रखना, अल्लाह।